दोस्तों मैं बात करूं, जब मैंने बिजनेस का शुरुआत किया था, जब मैंने बिजनेस का काम का सेटअप किया था, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई फोन करने वाला नहीं था, इसलिए मैं भी किसी को फोन नहीं करता। दोस्त, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस के हम सब लोग बराबर के पार्टनर्स हैं, बराबर के मालिक हैं। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं समझाया, मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया, मुझे किसी ने फोन नहीं किया कि मुकेश जी आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, आज आपको स्लॉट अपग्रेड करना है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आज आप इतने स्लॉट खरीद लो। दोस्तों, जिसको कमाना है ना, जिसको करना है ना, वो कर लेगा। उसे रोज रोज समझाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है। दोस्त, जिसे करना है ना, वो कर लेता है। मैंने बोला मुझे पता है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं पहले ही दिन 12 स्लॉट खरीद लिया। और आप देखिए, 12 स्लॉट में भी इनकम आया, 11 में भी आया, 9 में भी आया, 8 में भी आया, 10 में भी आया, 7 में भी आया, 5, 4, 3, 2, 1, सारे स्लॉटों के अंदर पैसा आया। और कितना आया देखिए दोस्तों, फोर्साज नहीं है, जिंदगी है। जिसने मान लिया कि बल्ले बल्ले है, जिसने नहीं माना वो पहले जैसा है। दोस्तों, आप यहाँ पे 80 रुपए से 2315 को मल्टीप्लाई करते हैं 80 रुपए से, तो 1,85,200 रुपए कमाए हैं मैंने 400 रुपए से शुरुआत करके। एक्सपी का पहला स्लॉट कितने दिन में? मात्र 2.5 महीने के अंदर। दोस्तों, सेकंड स्लॉट मेरा 86 बार रिसाइकिल हुआ है, थर्ड स्लॉट मेरा 53 बार रिसाइकिल हुआ है, फोर्थ स्लॉट मेरा 29 बार रिसाइकिल हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 स्लॉट मैंने एक्सपी में परचेज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे X4 के अंदर पूरे के पूरे 12 के 12 स्लॉट मैंने खरीदे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 98,615 USD का मैंने X4 में कमाया है। और आप देख सकते हैं 30,170 USD का इनकम मैंने X3 में कमाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 41,141 USD का इनकम मैंने XXX प्रोग्राम में कमाया है, जिसमें मैंने 10 स्लॉट परचेज है। यानी मैंने बड़े स्लॉट परचेज किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 लाख रुपए मैंने X3 के अंदर कमाया है। टोटल हम बात करें दोस्तों, 1,79,927 USD, करीब 1,34,88,781 रुपए का इनकम मैंने मात्र 2.5 महीने में रिसाइकिल हो चुका है, यानी 3 और 4 बार मुझे पेमेंट आ चुका है। 2500 USD मैंने
25 × 25 = 50 × 75 = 10,000 यानी 100, यानी कि मैंने $2,500 मैंने एक बार लगाया और मैंने $10,000 मैंने कमाया है 2 महीने में मात्र 10 पैसों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1250 का 4 बार रिसाइकिल हो चुका है, यानी कि मैं बात करूं दोस्तों 1,00,000 रुपए लगा के मैंने 12,00,000 रुपए मैंने 90 सलोट में कमाया है। ये आप देख सकते हैं 640 वाला 8 बार रिसाइकिल हो चुका है, यानी 8,00,000 मैंने यहां से अर्न किया है। दोस्त आप चाहते क्या है अपने आप से, आप वैसा ही बन जाते हैं। आप यहां पे दोस्तों हम आपको रोज बताने का प्रयास करते हैं, आप जितना कमाना चाहते हैं उतना कमाने का मौका देता है फोर्साइज, और एक बार आपको स्लॉट परचेज करना है, बाकी अनलिमिटेड बार आप यहां से पैसा अर्न कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एक बार स्लॉट परचेज किया और मुझे 231 बार रिसाइकल हुआ, यानी कि मैं बात करूं 463 बार 463 टाइम मुझे $5 आया है एक बार मैंने पेमेंट लगाने के बाद। और मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पे 25,456 लोगों का परिवार हुआ है मेरा, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कितने दिन में हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ किस आईडी से, किस डेट का, किस सलोट का, किस समय पे, किस एड्रेस से कितना कितना पैसा आया है, तो हर चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर चीज यहाँ पे ट्रैकेबल है दोस्तों, कोई झूठ नहीं परोस सकता। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मुझे 1250 BUSD आया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं एक दिन 3 घंटे पहले मुझे August 16, 2021 में 12:35 पे मुझे इस एड्रेस से फॉर्म 1250 USD आया है। हर चीज यहाँ पे ट्रैकेबल है, हर चीज देख सकते हैं, हर चीज समझ सकते हैं, कोई झूठ नहीं परोस सकता। और साथ में गए झूठ बोलने वाले बिजनेस जो बताते थे कमाए 10,000 बताते थे 1,00,000 रुपए, गए वो जमाने। तो फोर्साज एक नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, फोर्साज एक नए दौर का बिजनेस है। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो MLM चलता था, आज वो MLM को बदल के रख दिया है फोर्साज ने। आप अपने आप को अपग्रेड कर लो, आप रोज मीटिंग को सुनिए, आप रोज मीटिंग को देखिए, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। और हम लोगों ने भी अगर आज 1,00,000 रुपए कमाने का आपको स्ट्रक्चर पे आउट दिखाते हैं, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ से समझा है, सीखा है दोस्तों। एक पेज 50 ट्रांजेक्शन का है, यहाँ पे मेरे टोटल 93 पेज हो चुके हैं, मैंने लास्ट 93 पेज पे क्लिक किया है, तो आपको मैं दिखा दूं मेरा ज्वाइनिंग डेट 1/6/2021 और 7/8/8.5, यानी मुझे 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीने में 25,500 लोगों का परिवार बना है, और इन 25,500 के परिवार में एक भी व्यक्ति से आज तक नहीं मिला हूं, एक भी व्यक्ति को आज तक मैंने फोर्साइज का प्लान वर्बली नहीं समझाया है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी लिस्ट बढ़ाया, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में काम किया, मैंने ग्रुप में काम किया, मैंने 150-200 कॉल किया, 300-400 कॉल किया, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, सुबह को सुबह नहीं देखा, शाम को शाम नहीं देखा। मुकेश पैसा तुझे कमाना है तो कॉल भी तुझे ही करना पड़ेगा, प्रमोशन भी तुझे ही करना पड़ेगा, और प्लानिंग भी तुझे ही करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग में भी तुझे ही प्लान करना पड़ेगा। सब कुछ मैंने किया और करने के बाद में आज ये सब हासिल हुआ मेरे दोस्त। पूरे जिंदगी लगा देते हैं लोग 1.5 करोड़ रुपए कमाने में, वो आपको मैंने दिखाया मात्र 2.5 महीने में 1.5 करोड़ कमाया है। अब आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो आप पे ही डिपेंड करता है। जीना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, वो भी आप पे ही डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। इसलिए कोई रिक्वेस्ट वाला बिजनेस नहीं है, कोई जबरदस्ती वाला बिजनेस नहीं है, ये तो आप अपने आप में डिसाइड करो मेरे दोस्त। कोई नहीं आएगा हमें जिंदगी बदलने के लिए, कोई नहीं आएगा हमें रोज फोन करने के लिए, कोई नहीं रोज हमें समझाएगा, लेकिन दोस्त अगर हम समझ गए इस टेक्निक को, अगर हम समझ गए इस टेक्नोलॉजी को, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ब्लॉकचेन क्या है, एक्सचेंज क्या है, BUSD क्या है, बाइनेंस क्या है, बजरेक्स क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने फोर्साइज को शुरुआत किया था तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि X3 क्या है, X4 क्या है, ये काम कैसे करता है, अपलाइन की इनकम कैसे आती है, क्रॉस लाइन की कैसे जाती है, पहले दूसरे से कैसे आएगी, रिसाइकिल कैसे होगी, कुछ भी नहीं समझ में आया था। लेकिन मैं कर करके सीखा हूँ दोस्तों। ये सीखने के बाद ही आज सभी लोगों के साथ
देता हूँ दोस्तों, मिलते हैं हम कल इसी सेम लिंक पे, और जितने भी लीडर्स की मैं बात करूँ पूरा मीटिंग सुनते हैं समझते हैं, वही लोग लोग पे जाते हैं। क्योंकि जब मैं इस सिस्टम के अंदर नया था, मैं शुरू से लेके और लास्ट तक पूरा सेशन को सुनता था, पूरा सेशन को समझता था, कौन लीडर क्या कहता है, कौन लीडर ने क्या अपना अचीवमेंट्स बताता है, कौन लीडर ने कितने समय के अंदर कितना बार अचीवमेंट्स किया है, किसको क्या क्या समस्या आई थी, किसने क्या क्या टेक्निकल से काम किया था, वो सारी बातें मैंने भी समझा, तब जाके मैं सक्सेस हो पाया हूँ दोस्तों। इसलिए हमें रेगुलर, मैं बात करूं दोस्तों, हमें रेगुलर यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे हमें रेगुलर जूम मीटिंग हमें समझनी है, सीखनी है। और दोस्तों हम इस टेक्निक को